नंबर थ्री वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री वाले पार्ट में अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो बस इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जिन दोनों कार्बन को ब्रेक किया, जिन दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, उन दोनों के ऊपर ऑक्सीजन लगा के दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आराम से बना सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट को जैसे बनाने का तरीका सीखना, अगर कभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देगा तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जैसा स्ट्रक्चर देगा वैसा ही बना लेना। तो इस केस में छः का कार्बन चेन ऐसा बनाए, बस यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसको ब्रेक करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पार्ट को प्लेस करना है। तो ये बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से और यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ से आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और एक बार ये जब स्ट्रक्चर बनेगा तो चारों ऑप्शन में इसको मैच करा के देख लेना कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस तरह के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते मतलब हैं। हाँ बोलो। सर इसको सीधा कर सकते सेकंड हैं, का सर इसको, इसको सीधा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे टोटल छह कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, अगर मान लो ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो सेम ही चीज तो है ना, इसमें सीधा और उल्टा और टेढ़ा क्या होता है, कार्बन चेन मेरे मन पे जैसे रिप्रेजेंट करना। करो पहला उसका लेक्चर तुम साइकिल सर एंट्री लोग नहीं कर पा रहे सर, क्लास में क्या नहीं हो रहा, एंट्री नहीं हो रहा उसका, सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बस कनेक्टिंग लिखा रहा है। उसका नेट का प्रॉब्लम होगा। उसको बोलो कि जूम का ऐप एक बार क्या बोलते हैं बंद करके फिर से शुरू करके देखे, या फिर अपना नेट डिसकनेक्ट करके ऑन करके देखे, उसको ये प्रॉब्लम हो ओके रहा है। सर, ठीक है, ये तुम लोग उसी लिंक के थ्रू कनेक्ट किया ना, वो पीसी के थ्रू क्लास ले रहा है क्या, हाँ शायद पीसी के थ्रू ले रहा है तो उसमें फिर उसको पासवर्ड चाहिए होगा, मतलब पीसी में लॉग पासवर्ड इन करने के लिए शायद पासवर्ड चाहिए होता है। एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है, शायद पासवर्ड चाहिए होता है। नहीं सर, नहीं 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 लगता सर, हम भी किए थे। तो पूछ लो उससे क्या दिक्कत हो रहा है, एक बार पूछ के देखो। ठीक है ओके सर, चलो, क्वेश्चन नंबर फोर वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर वाले पार्ट में जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऊपर भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नीचे भी डबल बॉन्ड को, मतलब सॉरी साइड में दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो दोनों में ऊपर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा लगा सकते हैं। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम अलग से बना लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दे रखा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा, और इसको ब्रेक किया और इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्लेस किया इस टाइप से, और दूसरे वाले साइड में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्लेस किया। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये हट जाएगा, दूसरे को भी ब्रेक करेंगे वो हट जाएगा आराम से। ऊपर का और नीचे का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम टाइप का है, मतलब दो स्ट्रक्चर हम लोग आराम से इस फॉर्मेट का बनाते हुए काम कर सकते हैं। तो दानशु इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? बताओ इसे जान, शुरू में क्लेचर क्या होगा? अमृत, नोमेनक्लेचर क्या होगा इस कंपाउंड का? हाँ नमन हाँ नोमेनक्लेचर, यस सर। डायऑक्सो मीथेन, डाई क्या क्या क्या, चंदन प्रॉप 1,3-डायऑन। Prop 1,3-dione। नोमेनक्लेचर का सवाल अगर नहीं बना तो डूब मरो कहीं जा करके, ये बारिश में हर जगह पे क्या बोलते हैं बाढ़ बढ़ा रखा है, डूब मरो जा करके वहां पे। नोमेनक्लेचर का सवाल नहीं बन रहा तुम लोगों से, शर्म भी नहीं आता, जबकि बोला भी जाता होगा तुम लोग क्लास 12th में, एक सवाल बोर्ड में भी नोमेनक्लेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे को ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चौथे पार्ट को ब्रेक करेंगे तो भी दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अगर उसी के हिसाब से ब्रेकिंग करे। तो अब हम थोड़े दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं तुम लोगों को। पूरे स्ट्रक्चर में जैसे एक तो हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई दिया, एक सेकंड रुक जाओ इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। हाँ चलो, जैसे एक तो ये दिख रहा था कि जब सबसे पहले लेफ्ट साइड के बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई दिया, फिर उसके बाद हम लोग को एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, बट वो रिंग के स्ट्रक्चर में मिला, तो ऑलमोस्ट इस साइज से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला।
फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रह गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद राइट साइड का सिंगल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रह गया, लेकिन फिर वहां पे वापस से बॉन्ड को ब्रेक किए थे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया था इस कार्बन पे, और उसके आगे वापस से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं ऐसा। उसके अलावा फिर हम लोग जब इस कार्बन में नीचे वाले स्ट्रक्चर में गए थे तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किए थे मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। उसके बाद ऊपर के सारे स्ट्रक्चर को तो कवर कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा नीचे वाले स्ट्रक्चर के पार्ट में मूव करते हैं। नीचे वाले स्ट्रक्चर में मूव करने का मतलब यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जब नीचे गए सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था जिसको ब्रेक करने पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, तो उसके सामने वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। उसके अलावा फिर यहाँ से राइट साइड आने पे एक सिंगल बॉन्ड है और वहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसको ऐसा मेंशन कर दिया। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और बीच में टोटल मिला करके चार पार्ट में कंपाउंड को कंसिडर किया जा सकता है। तो दो तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एक प्रोपेनल बन गया, या इसी चीज़ को हम लोग एसीटोन भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में एसीटोन, और इसके अलावा फिर ये साइक्लिक कंपाउंड को ब्रेक करके हम लोग पूरा एक बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टोटल चार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। कार्बन को मैच करा के देख लेना कि तुम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें कार्बन का मैचिंग सही से है कि नहीं। हर एक तरीका है फॉलो करने का, कार्बन कार्बन लिख के काम करो, या जैसे ऊपर बताया था वैसा काम करो, या फिर स्ट्रक्चर को थोड़ा डिसोसिएटेड फॉर्म में कंसिडर करके काम करो। हर एक पॉसिबल तरीका है, और कोई अगर डाउट होगा तो किसी को भी पूछ सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर सिक्स वाले पार्ट में दो जगह डबल बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक किया, तो यहाँ वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक तो यहाँ दिख रहा, यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, फिर उसी के सामने एक और कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग एक सिंगल बॉन्ड डाले, दूसरा सिंगल बॉन्ड डाले, फिर उसके बाद वापस यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखे और दूसरे साइड से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। तो टोटल 3 यूनिट्स हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बट बाकी सारे के सारे बॉन्ड्स आपस में कनेक्टेड है, सारे के सारे बॉन्ड्स कनेक्टेड है। इसका मतलब आराम से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज हम बताए तुम लोगों को, एक छोटा सा नया स्ट्रक्चर बताते हैं, इसमें देख करके थोड़ा मजा आएगा। इस स्ट्रक्चर में भी कोई गलती नहीं है वैसे, ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं यहाँ पे, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है तुमको कहीं ऑप्शन में मिले। देख के तो नहीं लग रहा कि यहाँ से इसमें जा सकता है, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर ऑप्शन में हो सकता है मिल जाए तुम लोगों को, हो सकता है मिल जाए। देख के एक बार सोचो कि ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत है। अगर ढंग से काउंटिंग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, जैसे कार्बन नंबर 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन बोल रहा है। दूसरे साइड से भी जाएंगे तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, वो देखने में अलग लग रहा है लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है कभी कभी बुकलेट में ये दे या फिर ये दे, दोनों में से कुछ भी स्ट्रक्चर दे, फॉलो कर लेना उस चीज को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों सेम तरह का पार्ट दिख रहा, तो ऐसा लिख देते हैं, अब हम सीधा ये चीज लिख रहे हैं, ये अपना स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को कंसिडर करें तो बेंजीन रिंग वाला पार्ट को इस टाइप से डायरेक्टली नहीं कंसिडर करना जो सर्कल के फॉर्म में दे रखा, उसको इस टाइप से कंसिडर करना, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड। तो इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक किया, दूसरे बॉन्ड को ब्रेक किया, तीसरे बॉन्ड को ब्रेक किया, या फिर इसका दूसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस केस में प्रोडक्ट भी कुछ नया नहीं आएगा। अब यहाँ पे जब इस पूरे पार्ट को ब्रेक किया है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए, फिर इस पार्ट को ब्रेक किए तो दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए, तीसरे पाई बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पे भी तीसरे पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसा, वैसा ही अगर बना दे तो ऐसा स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। एक ये पार्ट हो गया, उसके अलावा दूसरे हाफ की अगर बात करें तो दूसरे हाफ वाले पार्ट में आपको ये चीज दिख रहा है कि एक कार्बन है, उसके अलावा यहाँ पे इसी टाइप से डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और तीसरा पार्ट कार्बन कैसा दिख रहा, इसमें भी हम लोग के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो दे रखा है। तो ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा, उसके अलावा एक ये स्ट्रक्चर अलग है, टोटल तीन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके तीन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करा पाए हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना, इसको हम नीचे लिख देते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में अगर हम लोग के पास दो मिथाइल ग्रुप है तो अपना पाई बॉन्ड वाला पार्ट दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। दो तरीके से एग्जिस्ट करने का मतलब है कि पाई बॉन्ड इधर एग्जिस्ट कर सकता है, इधर एग्जिस्ट कर सकता है, इधर एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर इसको ब्रेक करना शुरू करें तो यहाँ दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेगा, क्योंकि दोनों मिथाइल के बीच में पाई बॉन्ड है और दोनों मिथाइल के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। तो इस केस में एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तीसरा पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ से जब बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरे वाले केस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा वैसा ही बना दो। तो इस केस में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, उसके बाद दूसरे साइड जो मिथाइल ग्रुप था इसके बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर दिए थे, मतलब यहाँ कुछ नहीं रहेगा। बाकी बचे स्ट्रक्चर्स को जब बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड था तो नीचे भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, दूसरे साइड भी एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ वाले पार्ट में भी सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे दो कार्बन दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेंशन कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। लेकिन अगर दूसरे पार्ट को ब्रेक करते हैं तो दूसरे पार्ट को ब्रेक करने पे इस बार दिख रहा है कि दोनों का दोनों जो मिथाइल वाला ग्रुप है, ये मिथाइल वाला पार्ट एक सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ आएगा। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दो मिथाइल ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद दूसरे साइड में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऐसा पार्ट मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ वाले पार्ट में कार्बन था, कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरे साइड से भी एक कार्बन का चेन था, वहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मेंशन कर सकता है। तो एक चीज देखो ढंग से, ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है और आगे वाला पार्ट भी सेम है, तो ये तीनों को मिला के हम लोग एक स्ट्रक्चर के जैसा कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली एक ये स्ट्रक्चर मिला जिसमें दो कार्बन और दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक ये स्ट्रक्चर मिल गया। उसके अलावा ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, लगातार दो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन कार्बन कार्बन, लगातार दो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो तीन कार्बन का चेन और उसमें लगातार दो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐसा मेंशन कर सकते हैं। और तीसरे वाले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट तो सेम था तो उसको छोड़ दिया, चार का कार्बन जिसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब बेसिकली चार का कार्बन चेन ले सकते हैं हम लोग, और चार के कार्बन चेन में सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इन 10 क्वेश्चंस में अगर कहीं भी कोई दुविधा है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 वाला लिखे नहीं है पूरा, तो खुद से बनाओ ना, हम तो तरीका बता दिए, लिखना क्यों है। ठीक है सर, खुद से बना करके देख ले एक बार, तरीका बता ही दिए। और कोई डाउट किसी को बता भी जल्दी, और कोई डाउट। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था कि एक तो हम लोग रिडक्टिव ओजोन लेसिस वाला पार्ट तो मेंशन कर ही दिए, इसके अलावा ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस वाले पार्ट का भी हम लोग को डिस्कशन करना होता है। कैसे डिस्कशन कर सकते हैं आते उस चीज पे, जैसे दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस में प्रोडक्ट क्या बनेगा पहला, और दूसरा पार्ट अल्काइन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराए या फिर अल्काइन के केस में अगर हम लोग ओजोन लेसिस कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग को इस चीज का डिस्कशन करना है। ठीक है रिया, तुमको आवाज आ रहा है क्या? इसका ऑडियो तो कनेक्टेड नहीं रिया, क्या केवल वीडियो देखते रहती है क्या रिया?
क्योंकि वीडियो में कनेक्टेड तो रहती है लेकिन इसका आवाज तो ऑडियो तो आनी नहीं है। स्कूल का क्लास समझ रही क्या कि इधर अटेंडेंस बनाना जरूरी है? चलो जान दो, जैसे एक तो हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाले पार्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा इस चीज का डिसीजन करेंगे। उसके अलावा अल्काइन वाले पार्ट में जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, तो इस केस में अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस डिस्कस करना शुरू करें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो इस पार्टिकुलर केस को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो इस केस में ध्यान रखना जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे हम लोग के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के पार्ट में ये देखना होता है कि ऑक्सीडेशन की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन होगा तो हम लोग एक ऑक्सीडेशन करा पाएंगे फर्दर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाएगा। अगर कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है तो हम लोग दो बार ऑक्सीडेशन करा के आराम से H2CO3 या फिर CO2 तक जा सकते हैं। ऐसे अल्कोहल है अगर, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड में हम लोग एक हाइड्रोजन अगर है तो उसको OH में कन्वर्ट करके आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को हम कंसिडर करना शुरू करें, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से अगर सोचना शुरू करें, तो उसके हिसाब से ऐसा आराम से बोला जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में अगर हाइड्रोजन होता तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता। तो खैर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ मतलब तो नहीं है, सिंपली ध्यान रखना अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। करना क्या होगा, बस एच को OH में कन्वर्ट करना है। अगर अगर हम लोग का कीटोन है तो उस कीटोन वाले पार्ट का हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, कीटोन का पार्ट वहीं पे जाके रुक जाएगा। उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही रिगोरस कंडीशन में कुछ पार्टिकुलर रिएजेंट्स करा सकते हैं, जैसे KMnO4 वाला पार्ट, अगर एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं तो उस तरह के केस में हम लोग का उधर भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाता है, लेकिन वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है। तो हम लोग नॉर्मली उस तरह के ऑक्सीडेशन को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, इस एक चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाले पार्ट में हम लोग सिंपली ये चीज़ कंसिडर करके चलेंगे कि अगर हम लोगों का एल्डिहाइड बना तो ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाओ, अगर कीटोन बना तो वहीं पे प्रोडक्ट छोड़ दो। तो उसमें केवल कुछ रिएक्शंस ध्यान रखने हैं, जैसे रिएक्शंस वाले पार्ट में मान लो ऐसा रिएक्शन लेके चलते हैं CH3CH double bond CH CH3, और इसका अगर हम लोग को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है तो ऑक्सीडेटिव में हम लोग केवल O3 के साथ H2O यूज़ करेंगे, जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड यूज़ नहीं करेंगे। और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट तो मालूम ही है कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों पे ऑक्सीजन जोड़ो। तो इस केस में जब हम लोग इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक काम करते इसको नीचे लिख देते हैं, इसका प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनना चाहिए था CH3, उसके अलावा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे वाले कार्बन पे भी CH3, उसके अलावा CH और उसके अलावा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन इस पूरे पार्ट में क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है उससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीडेटिव वो जो लेसिस वाले पार्ट में इस हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ वाले पार्ट से आराम से CH3, उसके अलावा C डबल बॉन्ड O, OH में इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब H को OH में कन्वर्ट कर दो, और दूसरे साइड से भी CH3, उसके अलावा C डबल बॉन्ड O और H वाले पार्ट को OH में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर अपना एल्डिहाइड बना तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, अगर हम लोग का कीटोन बनता तो रिएक्शन को वहीं पे छोड़ सकते हैं हम लोग। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ये नोट कर लो, अगले एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग, पहले नोट करो इसको उसके बाद बात करते हैं। और यहाँ नीचे में मेंशन कर लेना फाइनल प्रोडक्ट, एच को OH में कैसे कन्वर्ट किए ये तो हमको नहीं मालूम, तो लास्ट क्लास में बताए थे कैसे कन्वर्ट किए, मत सोचो कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे।
अगर एच है तो ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वही एच ओ एच में कन्वर्ट होगा जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से अटैच है, मतलब जिस कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका हाइड्रोजन ओ एच में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ओ एच में कन्वर्ट नहीं होंगे। सर एच है तो ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सेकेंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा होता, मान लो ये कंपाउंड दे रखा होता और इसमें पूछता कि हम लोग एक काम करते हैं ऐसा लिख देते हैं CH3 C CH3, उसके अलावा CH CH3। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा होता तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, मतलब केवल O3 के साथ H2O मेंशन करेंगे, जिंक या DMS नहीं लेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में आएगा। तो जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उस केस में सबसे पहला पार्ट CH3, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक और CH3, दूसरे वाले केस में CH इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ऐसा लिख सकते हैं आराम से हम लोग। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जब कंसिडर करना शुरू करेंगे तो इस केस में एक चीज़ देखो, कीटोन वाले पार्ट में जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, उस पर कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराना चाहेंगे तो कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो कीटोन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ये पार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट है। और उसके अलावा एल्डिहाइड जो है उस एल्डिहाइड में एच वाले पार्ट को हम लोग आराम से ओएच में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन था उस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बस उसको ओएच में कन्वर्ट कर देना है। तो इस पार्ट को हम लोग आराम से ऑक्सीडाइज करके CH3 C डबल बॉन्ड O और H को OH में कन्वर्ट कर दिया, ये पार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का एल्डिहाइड बना तो उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, और अगर अपना कीटोन बना तब उस केस में वहीं पे प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, नोट कर लो रिएक्शन। इसके नीचे पॉइंट मेंशन कर लेना, इफ एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड देन इट्स ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, for the formation of carboxylic acid अगर एल्डिहाइड बना तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो, अगर कीटोन बन रहा है तब उस केस में कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ब्रैकेट भी लिख लेना, कीटोन विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, और इसके नीचे नेक्स्ट पार्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन्स।
ऑल्दो अल्काइन्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, इनफैक्ट मतलब किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो नॉर्मली सवाल नहीं पूछेगा, बट फिर भी ध्यान रखा करना कि अल्काइन्स में होता क्या, करना क्या होता है। अल्काइन्स में दो तरह के रिएक्शंस पॉसिबल है, एक ये रिएक्शन जब हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो रिडक्टिव वाले पार्ट में हम लोग O3 के साथ H2O लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक या फिर DMS डाइमिथाइल सल्फाइड। करना कुछ नहीं होगा, अभी भी पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इस केस में ओजोनोलिसिस के टाइम पे हम लोग का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से केवल डबल बॉन्ड ब्रेक करो, केवल डबल बॉन्ड, और दो बॉन्ड ब्रेक किए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिए। इसका मतलब प्रोडक्ट में दोनों कार्बन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बचा रह जाएगा, एक कार्बन चेन रहेगा, और उसके अलावा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट आराम से प्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन्स वाले पार्ट में हम लोग आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड में से केवल डबल बॉन्ड हटेगा, बाकी अपना प्रोडक्ट जैसे बनना है वैसा ही, वैसे का वैसे ही मेंशन कर दिया। ये पहला चीज़ है। लेकिन फिर सेम चीज़ कि हम लोगों का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है तब उस केस में जिंक या DMS नहीं चाहिए, और इस केस में प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग का तीनों बॉन्ड ब्रेक होगा। जब तीनों बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा समझ लेना बेसिकली एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक वेज ग्रुप, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जैसे लिखने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को, इस चीज़ को आगे यूज भी करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता तो दोनों पे एक वेज ग्रुप, अगर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता मतलब यहाँ दूसरा बॉन्ड होता ये भी ब्रेक करते तो दोनों के ऊपर दूसरा OH ग्रुप। तो एक बॉन्ड ब्रेक किया एक OH ग्रुप, दो बॉन्ड ब्रेक किया दो OH ग्रुप, बट एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। ये चीज़ यहाँ से हट करके आराम से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब तीन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जैसे तीन बॉन्ड में एक बॉन्ड का एक OH ग्रुप, दूसरे बॉन्ड का दूसरा OH ग्रुप, तीसरे बॉन्ड का तीसरा OH ग्रुप, तो यहाँ से एक कार्बन के ऊपर दो H2O अनस्टेबल होता है, वहां से H2O को हटाए सॉरी दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, वहां से जब H2O को हटाएंगे हम लोग तो एक OH तो जैसा था वैसे ही रह गया और बाकी दो OH वाले पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ के केस में हम लोग ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर ये ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड ब्रेक करो, पहले केवल डबल बॉन्ड ब्रेक करो, जब डबल बॉन्ड ब्रेक करते तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आर निकल के आता। फिर उसके बाद ये ऑक्सीडेटिव में तीसरा बॉन्ड भी ब्रेक करो, और जब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक OH ग्रुप डाल देना है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता और ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाना चाहिए था। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो प्रोडक्ट में अगर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक किए तो तीन OH ग्रुप आए, तीन में से दो OH ग्रुप को हम लोग H2O के फॉर्मेट में हटा दिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिए। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से R के साथ C डबल बॉन्ड O OH, और एक काम करते हैं R डैश ले लेते हैं कार्बन चेन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो R डैश के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O OH ऐसा आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो नोट डाउन कर लो इस चीज़ को। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल प्रोडक्ट बनाने सीखना है तुमको, अभी इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ नहीं सीखना है इसमें। सर हाँ बोलो। इसमें जो मतलब यार आवाज नहीं आ रहा आशुतोष तुम्हारा क्लियरली। वाला जो जो अभी केस जो बॉन्ड कौन से यार समझ नहीं आया क्या बोला, मतलब बीच बीच में आवाज कट जा रहा है। ठीक है ठीक है, टेक्स्ट कर दो, नहीं तो ऐसा कर सकता है जैसे जो टेलीग्राम चैनल है ना उस टेलीग्राम चैनल में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज दो, मतलब चैनल में मत भेजो मेरे पर्सनल नंबर पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो, तो ऑडियो हम सुन करके फिर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है बाकी नोट डाउन करो रिएक्शन को।
अभी जो डिस्कस हुआ जिसमें तीन तीनों बॉन्ड का टूटा है उस टॉपिक को क्या नाम है? ऑर्जनलिसिस ऑफ अल्काइंस। ये ऑडियो में तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दिया करना, उससे भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ व्हाट्सएप में ड्यूरिंग कॉल। अच्छा जूम का मीटिंग चल रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके नोट करो नोट करो। नोट डाउन करो, एक सेकंड, लेक्चर लिखने दो, लेक्चर तो लिखा ही नहीं है। अगर नोट डाउन कर लिया तो फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। दूसरा टॉपिक जो तुम लोगों को मेंशन किया था मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला पार्ट। ये दो बेसिक रिएक्शंस ऐसे हैं जिसको मेरे हिसाब से पहले सीख लेना चाहिए। उसके अलावा फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उन सब के डिस्कशन के बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रॉपर पार्ट हम लोग शुरू करेंगे डिस्कशन के लिए, ठीक है? तो अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं। चलो हेडिंग डाल दो। मोनोहैलोजनेशन प्रोडक्ट, मोनोहैलोजनेशन प्रोडक्ट। चलो ध्यान दो। जैसे 10th क्लास में इस रिएक्शन का एक बेसिक आइडिया लगा होगा तुम लोग को, ऑल्दो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे कि 10th क्लास पूरा भूल गया होगा तुम लोग, बट फिर भी हम लोग 10th क्लास वाले पार्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। एक वहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक छोटा सा रिएक्शन दे रखा था। इस CH4 वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं या फिर इन जनरल हैलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या फिर सनलाइट, तब इस केस में आराम से हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3X का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ HX का फॉर्मेशन होता है। और 10th क्लास में इस रिएक्शन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला गया था, लिखने का तरीका था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे CH4 का रिएक्शन जब H2 के साथ हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और सनलाइट तो ये प्रोडक्ट बना। इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है, इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट इस टॉपिक में हम लोग को ये तरीका डिस्कस नहीं करना है। हम लोग केवल ये चीज डिस्कशन करना है कि जब एक कार्बन चेन में केवल एक हैलोजन लगेगा तो एक हैलोजन कंडीशन मतलब मोनो हैलोजनेशन बोल सकते हैं। इन जनरल हैलोजन कंडीशन मतलब हैलोजनेशन, बट अगर एक ही हैलोजन लगेगा मतलब मोनो हैलोजनेशन आराम से बोला जा सकता है। तो इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग मोनो हैलोजनेशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या फिर मोनो हैलोजनेशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे मोनो हैलोजनेशन होता है ये हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। मोनो हैलोजनेशन के टाइम पे प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोग को इस चीज का डिस्कशन करना है केवल। अब उसमें नॉर्मली इस तरह का पार्ट होता है, जैसे मान लो एक कंपाउंड दे रखा, हम केवल पहले कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हैं तुम लोगों को, ये रिएक्शन तो ध्यान रखने, एक काम करो रिएक्शन नोट कर लो पहले, रिएक्शन तो थोड़ा ध्यान रखना ही रखना है कि हम लोग X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट, तब उस केस में क्या होगा ये तो ध्यान रखना ही रखना है। सर वो एक्स वहां पे हैलाइड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ध्यान दो,
जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे, और वही क्वेश्चन वाले पार्ट में शुरू में 3-4 एग्जांपल्स हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे, और तुमको उसके बाद के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि सवाल ही ये रहेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, उसके बाद फिर एक और हम लोग उसमें एक्स्ट्रा टर्म आराम से एडअप कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो पहले क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट। अब मोनो हैलोजिनेशन में जैसे मान लो मोनो क्लोरो प्रोडक्ट कर देते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, मतलब क्लोरीन वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। दूसरा पार्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तीसरा पार्ट टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे आवाज आ रहा है रिया तुमको, या अभी चैट का रिप्लाई कर रही है? जब भी कभी हम लोग सवाल का डिस्कशन करेंगे तो बेसिकली सवाल में हमेशा इन जनरल ये 3 पार्ट हो सकता है। हो सकता है केवल पहला पार्ट पूछे सवाल, हो सकता है दूसरा पार्ट केवल पूछे, या हो सकता है केवल तीसरा पार्ट पूछे। अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा तो तीनों में से कोई एक पार्ट होगा। इन जनरल इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या है उस चीज की बात करते हैं। पहला और दूसरा ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का चीज है, ठीक है। अगर सवाल में पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और कुछ नहीं दिया, तो उस केस में देख लेना कि ऑप्शन के हिसाब से पहला कंडीशन फुलफिल करना है या दूसरा कंडीशन। अगर ऑप्शन में मान लो जैसे हम लोग स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेट किए और उतना ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब हम लोग को पहले कंडीशन को मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेशन करना है। और अगर ऑप्शन में एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेशन किया और ऑप्शन में से कहीं ज्यादा हायर वैल्यूज दे रखे, मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम करना है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अरे भाई साहब माइक इशू है, चलो ठीक है से बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस चीज पे आते हैं, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जैसे तुम लोग एक चीज ध्यान होगा, ये हम लोग स्टीरियोआइसोमर वाले पार्ट में भी डिस्कस किए थे, इनेंशियोमर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, केवल एक चीज का वेरिएशन होता है इनेंशियोमर्स में। तो इनेंशियोमर्स का ऑप्टिकल रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होता है, ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल भी सेम होता है, बस ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इस पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों के स्टीरियोआइसोमरिज्म में केवल इनेंशियोमर्स ऐसे होते हैं जिनका सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, ऑल्दो उसका काम भी नहीं पड़ता कहीं भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और डाइस्टीरियोमर। तो ये 3 पार्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और डाइस्टीरियोमर, इन तीनों पार्ट में हम लोग का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब अलग रहता है। तो इस केस में जब हम लोग ये थर्ड वाले पार्ट की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इस थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों को नॉर्मली इस चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं या स्टीरियोआइसोमर्स की बात कर रहे हैं, इस तरह के पार्टिकुलर कंसेप्ट का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो जैसे हम लोग जो कैलकुलेशन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू काम करना शुरू करें, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा,
मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस केस में पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सबसे पहला पार्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, उसके अलावा दूसरा पार्ट हम लोग के पास इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर और तीसरा पार्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चीज पे आते हैं। सबसे पहला पार्ट सवाल में बोला है अपने पास मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग ये रिएक्शन कंसिडर करें तो CH4 के साथ मतलब अल्केन के साथ X2 का रिएक्शन, जब हैलोजनेशन है तो X2 का रिएक्शन, तो जब हम लोग मोनोक्लोरो मतलब क्लोरीनेशन कराना चाहेंगे तो क्लोरीनेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से Cl2 यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर Cl2 का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। तो HNU लिखो या UV लिखो या फिर सनलाइट लिखो, ये सारे के सारे सेम चीज है। तो हम लोग अल्केन का रिएक्शन आराम से सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर ये HNU के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या अपने साथ, जैसे इस कंपाउंड वाले पार्ट को जब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूज कर रहे होंगे तो इस केस में करना क्या है, इस एक चीज का ध्यान रखना। सबसे पहला चीज कि जैसे 3 का कार्बन चेन है तो ये देखना कि हम लोग कितने पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के ये हैलोजनेशन के टाइम पे कभी भी कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो अगर कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो केवल ये देखते हुए काम करना है हम लोगों को कि हम लोग कितने उसमें पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं, मतलब बेसिकली क्लोरीन को कितने डिफरेंट पोजिशंस पे लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो इस सवाल को हमको सॉल्व करना होता केवल पहले पार्ट के लिए, केवल फर्स्ट पार्ट के लिए, तो 3 कार्बन है अपने पास और 3 कार्बन का मतलब 3 पोजिशंस है। तो एक पॉसिबिलिटी ये कर सकते थे कि पहले कार्बन पे क्लोरीन लग गया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कर सकते थे कि सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लग गया, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये कर सकते थे कि थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लग गया। लेकिन एक चीज़ तुम लोग को मालूम है कि ये फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले पे क्लोरीन लगाए या थर्ड पे क्लोरीन लगाए, तो चेन वाले पार्ट में नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे जबकि पहले वाले केस में नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो क्लोरीन पहले पोजीशन पे लगा या थर्ड पोजीशन पे, दोनों सेम है तो ये अपने काम का नहीं रहा। लेकिन हम लोग का पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों तो यूनिक है, ये डेफिनेटली दोनों आपस में यूनिक है। तो यहाँ से हम लोग के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर वाले पार्ट आराम से 2 निकल के आ जाएंगे, सबसे पहला चीज। अब उसके बाद करना क्या है तो ये चीज देखना कि इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने निकल के आएंगे। तो जैसे हम आंसर को साइड में लिखना शुरू करते हैं कि फर्स्ट पार्ट वाले पार्ट का आंसर अपना हो गया 2, सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट में बस ये देखना कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। तो डबल बॉन्ड नहीं है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, और कायरल सेंटर भी नहीं है मतलब स्टीरियो सेंटर नहीं है यहाँ पे। अगर स्टीरियो सेंटर एक भी नहीं है इसका मतलब कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बेसिकली स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं हो पाएगा। अगर स्टीरियो आइसोमर नहीं हो पाया तो एक का एक स्ट्रक्चर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो दूसरे वाले केस में भी हम लोग का कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो यहाँ वाले पार्ट में भी हम लोग आराम से एक स्टीरियो आइसोमर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग का एक स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब कोई दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं पॉसिबल है, तो एक स्ट्रक्चर पहले वाले में, दूसरे वाले में भी एक स्ट्रक्चर, इसका मतलब प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी हम लोग आराम से 2 मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस चीज को अच्छे से समझना, जैसे चंदन एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस। इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए यूज किया जाता है कोई इमिसिबल लिक्विड्स को, इमिसिबल लिक्विड्स को, इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। तेल पानी। अच्छा, तेल पानी को अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। वाह, कहाँ सुना है ये चीज, तेल पानी तो वैसे ही अलग अलग रहता है। ऐसा ही कुछ था सर, वाह सही है। सोनाली, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? सर याद था, भूल गए। याद था भूल गए, तो याद कहाँ है, याद भी था। वाह, तुषार
बीपी के डिफरेंस वाले में, हाँ जब हम लोगों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम लोग गैसेस को सेपरेट कर पाते हैं। पहले हम लोग गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, फिर इन जनरल ऐसा बोला जाता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का चीज़ होता है, लेकिन जनरली समझ सकते हैं इस तरीके से कि पहले हम लोग गैसेस को लिक्विफाई किए, फिर उसके बाद एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में हम लोग टेम्परेचर ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है सेपरेट हो जाता है, नॉर्मली ये बोला जाता है। तो हम भी यही चीज़ बोल रहे हैं, ऑल्दो ये गलत है बट फिर भी हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा गैस, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हटता जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं किया वो एग्जिस्ट करता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम लोग दो गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। तो जितने भी इनेंशियोमर्स हैं वो इनेंशियोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या डाइस्टीरियोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड दोनों पोजिशनल आइसोमर है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। इसका मतलब जब इस कंपाउंड में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो पहला पार्ट अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होगा, दूसरा पार्ट अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होगा, तो एक मिक्सचर में से दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे हम लोग को, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लेवलिंग पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को दो फ्रैक्शंस ऑब्टेंड होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में दो फ्रैक्शंस विल बी ऑब्टेंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर सवाल में नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला तो इस केस में आराम से टू फ्रैक्शंस वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को, पहले चीज को नोट करो, फिर और एग्जांपल्स कराएंगे तब, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछना है। सर थोड़ा नीचे कीजिए, तो नीचे कीजिए मतलब स्क्रीन को ये यस सर। हो गया, नोट करो फटाफट, एग्जांपल नोट करो। तो स्टेप्स का ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते वक्त केवल पोजिशनल आइसोमर को आइडेंटिफाई करना है, मतलब हेलोजन के पोजीशन को चेंज कर करके देखना है कितने पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं। एक बार पोजिशनल आइसोमर बन गया तो स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है, और स्टीरियो आइसोमर काउंट करने के बाद ये देखो कि उसमें कौन कौन से इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जैसे मान लो कि ए और बी इनेंशियोमर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो एक ही जगह पे बॉइल करके हटेगा, तो जब दोनों एक ही जगह पे बॉइल करके हटेगा तो एक ही फ्रैक्शन के जैसा दिखाई देगा, मतलब एक ही कंपोनेंट के जैसा दिखाई देगा, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, पेंटेन ले लिया, आसान सवाल है, तो जब पेंटेन वाला पार्ट लेंगे तो सबसे पहला पार्ट नोट करो, क्वेश्चन जब पेंटेन वाले पार्ट का हम लोग मोनो हैलोजनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबसे पहला पार्ट हम लोग सारे पोजिशनल आइसोमर बनाएंगे। अब एक चीज देखो, ये पहला कार्बन और लास्ट कार्बन तो सेम है क्योंकि एल्केन का कार्बन चेन ऐसा घुमा देंगे तो सेम है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि इन दोनों में से किसी एक पोजिशन पे ग्रुप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों कार्बन भी सेम है क्योंकि दोनों में पल्टिंग ऐसा ग्रुप को, तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का कार्बन है, तो पोजीशन में नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करें
या फिर पोजीशन में नंबरिंग हम लोग राइट साइड से शुरू करें, एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज़ है, तो कार्बन नंबर 1 और 5 सेम है बेसिकली दोनों साइड से जाने पे। तो 1 और 5 में से किसी एक को रिजेक्ट कर दिया, 2 और 4 भी सेम टाइप का है, किसी एक को रिजेक्ट कर दिया, और 3 नंबर यूनिक है, इसको रहने देते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में जब हम लोग पोजिशनल आइसमर की बात करेंगे, तो पोजिशनल आइसमर बनाते वक्त कौन कौन से कार्बन सेम है, इस चीज़ को थोड़ा आइडेंटिफाई करके काम करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वाले पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिए, एक पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दिए, दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगा दिए, तीसरी पॉसिबिलिटी। इसका मतलब टोटल 3 पोजिशनल आइसमर बनाया जा सकता है। तो इन सब को मिला के टोटल हम लोग के पास 3 पोजिशनल आइसमर वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसमर मेंशन कर सकते हैं। ये सबसे पहला पार्ट हो गया। अब क्या करें, तो अब इसके बाद हम लोगों को स्टीरियो आइसमर काउंट करना है। तो पहले वाले केस में कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, अगर कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, इसका मतलब पहले वाले केस में एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले केस में एक कायरल सेंटर दिख रहा है हमको, केवल एक कायरल सेंटर, तो इसका मतलब एक स्टीरियो सेंटर है, और अगर एक कायरल सेंटर है तो 2 प्रोडक्ट दिखेगा। थर्ड वाले केस में हम लोगों के पास फिर से कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आराम से हम लोग 4 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले पार्ट में एक चीज़ तो फिक्स है कि जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो सब अलग अलग रहेगा ही, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो तीनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होंगे, मतलब अलग अलग फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो 1, 2, 3 ये 3 स्ट्रक्चर्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ये तीनों के तीनों अलग अलग फ्रैक्शंस पे ऑब्टेंड होंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और एक चीज, अगर हम लोगों का ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 है, तो एक कायरल सेंटर, इसका मतलब R और S, केवल ये पार्ट बन सकता है। और इसीलिए तुम लोगों को काउंटिंग सिखाया था, फॉर्मूला अप्लाई भी करने आना चाहिए लेकिन काउंटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग यूज करेंगे बहुत जगह पे। तो इस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का कंसिडरेशन लेके चले, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर, इसका मतलब आइदर इसमें R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एक कायरल सेंटर है, R और S कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो हम लोग आराम से इनेंशियोमर्स वाले पार्ट का ये इनेंशियोमर्स मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, मतलब इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग आराम से इनेंशियोमर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इनेंशियोमर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट सेम हुआ, देना 2 का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो एक ही फ्रैक्शन पे या एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे हटेगा, तो हम लोग को लगेगा ही नहीं कि वो दोनों अलग अलग हुए, एक ही जगह पे वो लोग चला गया। तो इसका मतलब आराम से वहाँ पे एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट अलग था, एक फ्रैक्शन मिलेगा। तीसरे स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट अलग था, एक फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर में जो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स थे, उन दोनों स्टीरियो आइसोमर के बीच में इनेंशियोमर्स का रिलेशन है, और इनेंशियोमर जो 2 था, वो दोनों आपस में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है, तो दोनों एक सिंगल यूनिट के जैसा बाहर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेंड आराम से हम लोग 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, नोट कर लो। और इन दोनों क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर, दोनों इनेंशियोमर कैसे हुआ इसमें? दोनों इनेंशियोमर कैसे हुआ? एक कायरल सेंटर पे क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम लोग? R या फिर S? R या फिर S? तो R और S एक दूसरे का मिरर इमेज होता है? हाँ। तो जब मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इसका मतलब इनेंशियोमर होगा? यस सर। इनेंशियोमर्स का ऐसे ही रिलेशन निकालते थे ना, 2 कंपाउंड है जिसमें एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का S है, तो दोनों में क्या रिलेशन होता था? मिरर इमेज होता था, इनेंशियोमर होता था रिलेशन। हाँ, तो उसे नीचे लिखा भी है इनेंशियोमर, नोट डाउन करो। और कोई डाउट किसी को?
बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करने दे रहे हैं तुम लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नोट डाउन करो क्वेश्चन। क्या होगा इस केस में, ट्राई करके देखो तीनों पार्ट। सिंपल सा सवाल है मेरे हिसाब से, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा एकदम बिल्कुल एलिमेंट्री टाइप का सवाल है। सबसे पहला चीज कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन है, तो जैसे ये तीनों कार्बन तो सेम दिख रहा है, एक ही कार्बन से तीन मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो ये तीनों कार्बन सेम है बट बीच वाला कार्बन अलग है, तो टोटल दो डिफरेंट टाइप के कार्बन है। तो इस केस में प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग आराम से तीनों में से किसी एक कार्बन पर क्लोरीन लगा दिए या फिर बीच वाले कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा दिए। और एक चीज का ध्यान रखना है रिएक्शन में, अगर कार्बन पे चार कार्बन होगा तो उधर क्लोरीन नहीं लगा सकते, मतलब मान लो ऐसा रिएक्शन होता तो इस पे ऑलरेडी चार बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है। जैसे लिखा था ना ऊपर कि CH4 वाले पार्ट में से CH3X का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक हाइड्रोजन हटता है और वहां पे एक हैलोजन लगता है। तो अगर कार्बन में 4 डिग्री कार्बन दे रखा तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आराम से हम लोग दो बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोइसमर, एक पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट। फिर जब हम लोग स्टीरियोइसमर्स की बात करेंगे तो स्टीरियोइसमर वाले पार्ट में पहले वाले केस में मेरे हिसाब से एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है तो एक प्रोडक्ट आएगा, दूसरे वाले केस में भी स्टीरियो सेंटर नहीं है तो भी एक प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर भी दो निकल के आ रहा है। और जब यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्योंकि स्टीरियोइसोमर है ही नहीं तो एक पार्ट सीधा एक फ्रैक्शन के जैसा दिखाई देगा, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर सीधा एक फ्रैक्शन के जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब टोटल दो फ्रैक्शंस ऑब्टेंड होंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। कोई अगर डाउट होगा तो आराम से पूछ लो। नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हो थोड़ा। ट्राई करके देखो। कोई डाउट है नंदनी?
क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करके देखना, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो, 5 नोट करो, इसी के पास। सिक्स नंबर नोट करो। सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, पहले नोट डाउन कर लो फिर उसका ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी भारी क्वेश्चन है, बट फिर भी हम तुम लोगों को ट्राई करा रहे हैं, सोच समझ के देखना ढंग से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी भारी क्वेश्चन है, बट अच्छे से ट्राई करना। मतलब केवल एक क्वेश्चन है जो बहुत भारी है, अच्छे से ट्राई करके देखना। और 7 नंबर भी ठीक ठीक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्राई करके देखो। नीचे एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? स्क्रीन नीचे कर दिए सर। अरे कौन सा क्वेश्चन? 4 नंबर।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट का पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चंस वाले पार्ट में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में सबसे पहले तो ये देखना है कितने डिफरेंट कार्बन्स हैं। तो जैसे एक चीज दिख रहा है कि ये दोनों कार्बन सेम है आपस में, तो किसी एक को छोड़ देते हैं। उसके अलावा एक ही कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये दोनों कार्बन आपस में सेम है तो एक को छोड़ देते हैं। बट एक चीज देखो कि अगर ये दोनों कार्बन आपस में सेम है और एक कार्बन के ऊपर दो ग्रुप आपस में सेम है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस पे ये जो दोनों पार्ट होगा, ये दोनों भी आपस में सेम ही निकल के आएगा। उसको ऐसा समझ लो, उस पूरे कंपाउंड को ऐसा घुमा दो, तो जब उसको कंपाउंड को घुमाएंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तब होता है जब ये दोनों कार्बन आपस में सेम नहीं होते। तो पहले ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, पहले तो ये चीज कर लिया कि एक ही कार्बन पे दो कार्बन है तो ये दोनों कार्बन आपस में सेम है तो एक को हटा दिया, पहला चीज। फिर ये दोनों कार्बन आपस में सेम थे तो जिसके वजह से इन कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो भी आपस में सेम है बेसिकली। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में सेम है तो इसको भी यहाँ से हम लोग रिजेक्ट कर दिए, और ऊपर नीचे वाला पार्ट सेम था इसको भी यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तो ये चारों कार्बन मिलके एक्चुअल में एक ही कार्बन है, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं से भी तुम प्रोडक्ट बना लो, सेम ही प्रोडक्ट निकल के आएगा, सेम ही नोमेनक्लेचर निकल के आएगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो, काफी मैटर करता है। तो अपने पास प्रोडक्ट बनाते वक्त दो पोजीशन अवेलेबल है, एक यहाँ वाले पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया या फिर दूसरा जो 3 डिग्री कार्बन है इस पे क्लोरीन लगा दिया। तो टोटल मिला करके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, सबसे पहला पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग जब स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट की बात करेंगे, तो पहले वाले केस में हम लोगों के पास सुधांशु, पहले वाले केस में कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा? अरे एक भी नहीं। एक भी नहीं, पक्का? हाँ सर। यहाँ कायरल सेंटर नहीं दिख रहा? हाँ सर, एक भी नहीं है। क्या है? एक है सर, एक है। एक है तो, एक है तो कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा? दो। दो। दूसरे वाले केस में एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। अगर एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है तब इस केस में एक। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा वही केवल स्टीरियो सेंटर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लोरीन लगने की वजह से स्टीरियो सेंटर कहीं और बन के आ गया, पहले नहीं था बट बाद में बन के आ गया। तो पूरे कंपाउंड को देखा करना, केवल स्ट्रक्चर को मत देखना। तो इस केस में दो स्टीरियो आइसोमर, दूसरे वाले केस में एक, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आराम से 3 के बराबर बोल सकते हैं। फिर जब यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा ही, मतलब एक अलग फ्रैक्शन बनाएगा ही बनाएगा। और जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें हम लोगों के काइरल सेंटर वाले पार्ट पे दो स्टीरियो आइसोमर है। दो का मतलब हमेशा एक इनेंशियोमरिक पेयर होगा, क्योंकि एक काइरल सेंटर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपाउंड, और एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का इनेंशियोमर से एग्जिस्ट करता ही करता है। तो इन दो में एक पार्ट R है, एक पार्ट S, इसका मतलब दोनों के दोनों इनेंशियोमर होंगे। और क्योंकि इनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट सेम होता है तो ये दोनों मिलके एक ही फ्रैक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम लोग आराम से टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन 2 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। तो पहले में आंसर 2, दूसरे में आंसर 3, तीसरे वाले पार्ट में आंसर 2 होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ट्राई करते जाओ क्वेश्चन आराम से। कितने बजे तक क्लास होता है टाइम? 4:50 तक। तो टाइम हो गया है क्या? चलो ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस कर कराने। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये चार क्वेश्चंस होमवर्क के लिए नोट कर लो, और इन चार क्वेश्चंस का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद हम लोग आराम से कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी एक बार फिर से कंपैरिजन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का डिस्कशन होगा उसमें, और उसके बाद कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आराम से क्लियर कर लो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे।